Hi everyone, this is Akshansh. So what shall be a perfect strategy for DT and IDT after SCMP exam? क्योंकि DT में 2 दिन का गैप है, तो आप किस तरीके से इसको 100% यूटिलाइज कर सकते हो वो मैं बताता हूँ. बिकॉज IDT एंड इलेक्टिव, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं आपकी बहुत स्कोरिंग है, और पास्ट में आपने जितने भी पाप किए ना, जैसे सपोज ग्रुप वन में आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं ना, आपको लग रहा है कि एग्रीगेट बनेगा नहीं बनेगा, तो आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट जिनके ग्रुप वन में 183 184 नंबर है और ग्रुप टू में 230 240 नंबर है, एग्रीगेट निकल रहे हैं. और ग्रुप टू में जो सबसे ज्यादा एग्रीगेट निकल पाते हैं वो आईडीटी और इलेक्टिव ही है. हम लोग क्या सोचते हैं कि आईडीटी और इलेक्टिव को ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि तो ऑलरेडी आता ही है, बट ये इतना स्कोरिंग है कि आप इसको थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे ना तो आपको बहुत अच्छा गेन देगा. तो आपकी परफेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? व्हाट आई रिकमेंड, अगर आपको लगता है कि आप इलेक्टिव कल और परसों के आधे दिन में कर सकते हो, मतलब आज का 4 से 5 घंटा अगर आप दे सकते हो, मतलब 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम अगर आप दे सकते हो, काम परफेक्ट हो जाएगा. आप आज आईडीटी पढ़ लो, कल इलेक्टिव पढ़ना, परसों आधे दिन तक इलेक्टिव पढ़ना. देखो अब की बार इलेक्टिव में भी एग्जम्पशन लाना जरूरी है क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में इलेक्टिव चला जाएगा, मल्टी डिसिप्लिन भी आ जाएगा और वो दिमाग खाएगा. तो इलेक्टिव एग्जम्प्ट होना ही है, कैसे भी करके आपको करना ही है. अगर आपको लगता है कि आप सफिशियंट रहेगा कल का दिन और परसों का आधा दिन, आज के आप 4-5 घंटे दे सकते हो, तो आई रिकमेंड कि आप आईडीटी के अंदर ये वाले टॉपिक्स कर लो, आपको मजा आ जाएगा. वो आपको काफी अच्छी हेल्प मिलेगी. आप आईडीटी में जीएसटी की थ्योरी चैप्टर जो है ना वो देख लो, उसका मेरा यूट्यूब पर रिविजन वीडियो भी 3 घंटे के आसपास का, 3 घंटे 10 मिनट का वो देख लो, जिसके अंदर आप रिमांड, असेसमेंट, इंस्पेक्शन, अपील्स, पेनल्टीज, अब की बार पेनल्टी से 100% क्वेश्चन आएगा. मिसलेनियस में 2 ही सेक्शन काम के जो मैंने प्री मैराथन में भी बनाए, और लाइबिलिटी अंडर सर्टेन केसेस, ये चैप्टर्स कर लो, इसका मेरा वीडियो जीएसटी थ्योरी चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा. और अगर आपको लगता है कि नहीं यू आर वेरी गुड एट थ्योरी, तो आप कस्टम्स भी कर सकते हो. कस्टम के अंदर यू कैन स्टार्ट विद वैल्यूएशन, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक से आपके पास 100% क्वेश्चन मान के चलेगा क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है जब ड्यूटी ड्रॉबैक आ रहा है, अगली बार से ड्यूटी ड्रॉबैक हट रहा है, एंड वेयर हाउसिंग. अब आप सोच रहे हो कि सर वी आर कन्फ्यूज कि कस्टम करें या थ्योरी, दोनों ही अगर आपके एवरेज है, दोनों ही आपने पढ़ रखे हैं, तो आई रिकमेंड डेट आप थ्योरी कर लो क्योंकि एक बार रिवाइज हो जाएगी, फिर एग्जाम से एक दिन पहले थोड़ी जल्दी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है? अब आप में से कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे, नहीं सर हम तो इक्वल ही करेंगे, या मतलब जो भी आपका इलेक्टिव पेपर है हम तो वही करेंगे, हम रिस्क नहीं लेना चाहते. तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, जिस दिन आप इलेक्टिव का पेपर देके आओगे ना परसों, उसके बाद ये कर लेना, फिर डीटी पढ़ लेना, ठीक है? आज डीटी पढ़ने का कोई सेंस नहीं लगता मेरे को किसी भी एंगल से, तो यू कैन गो, मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपके लिए अलग हो सकती है, पर मैं आपको क्योंकि डीटी फिर फ्लो में ही पढ़ो ना, 2 दिन की छुट्टी है और डीटी में टाइम लगता है, तो पूरा फ्लो में ही पढ़ो 2 दिन, अभी से क्यों घुसना. तो अभी आपको लगता है कि आप टाइम निकाल सकते हो तो गो फॉर आईडीटी, आईडीटी पढ़ लो, ठीक है? और आपको कुछ भी चाहिए हो, बिकॉज मेनी पीपल वर सेइंग कि सर आज आप जीएसटी की थ्योरी चैप्टर्स का मैराथन ले लो, ऑलरेडी यूट्यूब पे है, मेन मैराथन तो हम लेने वाले ही हैं ना, तो उसमें तो सब कुछ कवर कराएंगे अपन 9-10 घंटे के अंदर, ईच एंड एवरी टॉपिक विद ऑल द क्वेश्चन, हाँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं ले लूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर. और कुछ भी अगर आपको चाहिए रहेगा एग्जाम से रिलेटेड, मतलब कोई भी हेल्प, डू कमेंट, आई विल बी देयर. चलिए, बाय बाय, टेक केयर.